भर्ती परीक्षा में भेज दिया गया। व्यापम दुनिया का सबसे बड़ा घर भर्ती घोटाला था। क्या आपके बेटा या बेटी को नौकरी नहीं मिल सकती थी? क्या उस नौजवान को नौकरी नहीं मिल सकती थी? और अब तो मुझे एक नई बात बताई गई कि 15-15 लाख में पटवारी की नौकरी बेची जाती है। अगर पटवारी की नौकरी 15 लाख में खरीदनी है तो मुझे शिवराज सिंह चौहान को उसे हटाने का समय आ गया है। तो बीजेपी के मंत्रियों के बेटों के कॉलेज में और बीजेपी के एमएलए के कॉलेज में दाखिल होना पड़ता है, जो कि बाबा भाई
विदाई का समय आ गया। उनकी बत्ती और करंट जा चुका, करंट तो सारा यहां बैठा है सामने, तो इसलिए जोर का झटका धीरे से लगा दीजिए। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा था अंत में, मेरे साथियों बुजुर्गों दोस्तों, साढ़े अठारह, एक बच्चा होता है जो पीछे, एक होशियार बच्चा होता है, एक कई बार नकलची भी होते हैं, ये नहीं, ये तो अच्छा बच्चा है, तो वो पीछे से नकल मारता है, जो होशियार उसके पीछे जगह ले लेता है। पर साहब नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। जो जो कमलनाथ जी और कांग्रेस कहती गई, या एक नकलची बच्चा ऐसा है वो उसकी नकल मारता गया, सही है, परंतु साढ़े अठारह साल क्यों नहीं किया, साढ़े अठारह साल क्यों नहीं किया? हमारी बहनों को जरूर बताइए, नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को जरूर बताइए, कर्मचारियों को बताइए, साढ़े अठारह साल कहां थे आप? आखिरी महीने के अंदर आप ये समझते हैं कि कर्जा लेकर और कुछ पैसा बांट देने से आप जनता का ईमान खरीद सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत फहमी के शिकार। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में ये कहा था, हम हर बहन को 2000 रुपया देंगे। मेरी बहन, मैं उसका सबूत सामने खड़ा, मैं आज चुनौती देकर कहता हूं, 90 दिन के अंदर 1,25,00,000 बहनों को 2000 रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं, पूरे 5 साल करेंगे, पूरे 5 साल देंगे। वहां हमारी बहनें सरकारी बसों में फ्री चलती है, यहां तो बस स्टैंड भी बेचती है और सरकारी बसें भी बेचती है, दोबारा खोलनी पड़ेगी। वहां जो हमारे दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक भाई हैं, उनको हम 10 किलो अनाज देते, और मोदी ने जब वो बंद कर दिया तो हमने उसकी जगह 4 करोड़ लोगों को पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया हर महीने। कांग्रेस के जो वचन 1500 रुपए अगर हमारी बहनों को मिलेंगे तो 18 साल बाद नहीं, पहली कैबिनेट में पहले फैसले से मिलेंगे। ये कमलनाथ जी का और कांग्रेस पार्टी का फैसला। अगर 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और अगले 100 आप मिलेंगे तो पहली कैबिनेट के पहले फैसले से आपको मिलेंगे, ये हमारा आपसे वचन है। अगर ओल्ड पेंशन लागू होगी, अगर जनगणना होगी तो फैसला होगा कि पिछड़ों को, गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को जनसंख्या के आधार पर प्रदान करा। अगर हमने ये कहा कि हम नौजवानों को रोजगार का अधिकार देंगे तो बात देकर दिखाया, और एक बार मेरे आदरणीय पत्रकार सलाहकार साथ में खड़े थे, मैं जब पिछले महीने आया प्रभार संभाला तो मैंने कमलनाथ जी को कहा आप और कुछ मत बोलिएगा, तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा नकलची बंदर है, उसका तो जाता कुछ नहीं, जबान जबान चलानी है, इसको बोलते हैं 1 मिनट तो जरूर लगेगा। 2 साथी थे, एक पंडित जी थे, एक उसका और साथी था, वो भी पंडित जी थे, एक पाठ पूजा करता बहुत अच्छा, उनके पास शंख था, हर रोज प्रभु के आगे शंख बजाते, भक्तजन भी खुश हो जाते। एक कोई और, वो दूसरे वाला शरारती था, ये तो जैसे हनुमान है प्रभु की सेवा में लगा है। तो एक दूसरा था वो शरारती था, उसने कहा यार ये इसकी सब इज्जत करते हैं, पंडित जी करते हैं, पांव के हाथ लगाते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, महिलाएं जो हैं पहले आरती भगवान को, उसके बाद जो दान दक्षिणा है वो देकर जाती है, ये सब शंकर को भी एक खरीदा। तो गया तो उसे आगे एक और ठग मिल गया, उसने कहा शंख खरीदे, बोला हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया, तो बोला सबसे अच्छे वाला दे दे ताकि मैंने पंडित जी को फेल करना। तो उसने कहा एक बोलने वाला शंख है मेरे पास, वो 2000 रुपए में मिलेगा, बोलता ही बोलता है। तो उसने कहा ये बोलने वाला तो बहुत ही अच्छा शंख है, ये ले लेते, और बोले बहुत बोलता है, तो ले गया उसको, पूजा वूजा की, उसने सोचा आज पंडित जी का काम फेल करना है। पूजा करके उसने कहा हे शंख महाराज, मैं तो पैसे के लिए लाया था, हे शंख महाराज मुझे 100 रुपए दो। तो
शंख बोलने वाला था, उसने कहा 200 रुपए लो। सामने से आवाज आई, उसे बड़ा खुश हुआ, बोला 2000 तो पूरे अभी हो जाएंगे। बोला जी 200 रुपए दो, तो बोला 400 रुपए लो। फिर बोला 400 रुपए दो, बोला 800 रुपए लो। 800 दो तो 1600, ऐसे चलता रहा। उसने कहा तो काबिल और योग्य मेरे बड़े बुजुर्गो, नौजवान भाइयों, मेरी माताओं बहनों, आप मुस्तैद हो जाइए। कई बार हम ठगे गए, इस बार भगोर शंग से मत ठगे जाइएगा। एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कांग्रेस पार्टी का, वो रास्ता है विकास का, वो रास्ता है तरक्की का, वो रास्ता है भारतीय जनता का। कांग्रेस पार्टी की शुरुआत, कांग्रेस पार्टी की जीती की शुरुआत इस बार इसी क्षेत्र से नंबर एक पर करिए। मध्य प्रदेश के बुधनी में आज पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने विशाल जन आक्रोश यात्रा को संबोधित किया। उनके साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी मंच पर मौजूद थे। जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज के गढ़ बुधनी में मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। बोले, हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब है। हर वर्ग, हर समाज के लोग एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं। यही तो हमारी एक अच्छी पहचान है। इसी तरह से आगे भी मिलजुल कर रहे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से पहले लाडली बहनों की याद आई है। यह सिर्फ प्रलोभन देने वाली है, इससे कुछ होने वाला नहीं है और जनता सब कुछ जान चुकी है। रणदीप सुरजेवाला बोले, प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर है तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। खाद की कालाबाजारी हो रही है, सोसाइटी में किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जीतू ने कांग्रेस से दावेदारी पेश करने वाले सभी उम्मीदवारों को एक लाइन से खड़ा करवाया, हाथ ऊंचे करवाएं और शपथ दिलाई कि सभी कांग्रेस जिसको भी टिकट दे उसका साथ दे। पूर्व मंत्री पटवारी ने मंच से ही शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने कितने घोटाले किए हैं कि मैं बताते बताते थक जाता हूँ। लाडली बहना योजना को लेकर पटवारी ने बताया कि 1000 रुपये लाडली बहन को दिए जा रहे हैं, 1100 रुपये गैस टंकी के माध्यम से लिए जा रहे हैं। रक्षाबंधन के लिए जो 250 रुपये डाले थे, इन रुपयों में 1 किलो मिठाई नहीं खरीद सकते। 400 रुपये से कम की 1 किलो मिठाई नहीं आ रही है। यह भी बहनों की अब याद आ रही है। अब शिवराज की सरकार जा रही है और कमलनाथ की सरकार आ रही है। शिवराज सरकार घोटाले की सरकार है। जैसा कि शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला। साथ ही पटवारी ने किसानों की दुर्दशा के बारे में मंच से भाषण में कहा कि गेहूं की कीमत MSP 3000 रुपये कर दी जाए, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन भ्रष्टाचारी सरकार ने मेरी एक न सुनी। पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार जुमलेबाजी करती है, किसानों की आय को दोगुना का वादा 2022 तक किया था, लेकिन जैसे ही किसानों की फसल के दाम बढ़ते हैं, उन पर निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में टैक्स लगा दिए जाता है।